क्या आपने कभी इतना गहरा जंगल देखा है? ये तो कितना भयानक जंगल है। अरे, ये शेर के दहाड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये शेर तो उस गुफा की तरफ जा रहा है। ये क्या, इस गुफा के अंदर ये दोनों कितनी डरी हुई सी लग रही हैं। और ये तो नमोकार मंत्र का पाठ भी कर रही हैं। वो शेर तो गुफा तक पहुंच गया। अब क्या होगा इन दोनों का, ये कैसे बचेंगी? आओ जानते हैं इनके बारे में। ये कहानी है हनुमान जी की माँ राजकुमारी अंजना की। तो जब अंजना की शादी राजकुमार पवनजय से फिक्स हो रही थी, इसी बीच पवनजय ने अंजना और उनकी कुछ सहेलियों को बातें करते हुए सुना। अंजना की सहेलियां हंसी मजाक में किसी और राजकुमार की तारीफ कर रही थी, लेकिन अंजना तो शर्माकर पवनजय के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने सहेलियों को दूसरे राजकुमार के लिए कुछ भी नहीं बोला। और पवनजय ने देखा कि अंजना तो चुप है। उन्हें लगा कि शायद अंजना भी उस दूसरे राजकुमार को ज्यादा पसंद करती है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, और इसी बात पर वो अंजना से नाराज हो गए। पवनजय ने शादी तो कर ली पर अंजना से कभी बात भी नहीं की। बेचारी अंजना रोती रही, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी पवनजय अंजना से नाराज ही रहे। और ऐसे ही 22 years पास हो गए। एक दिन पवनजय ने चकवी को देखा। वो चकवी चकवे से मिलने के लिए बहुत परेशान हो गई। वह चकवे को हर तरफ ढूंढ रही थी। यह देखकर पवनजय को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने सोचा कि उन्होंने अंजना के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, और ये सोचते हुए वो अंजना से मिलने चले गए। पवनजय अंजना से मिले और दोनों बहुत खुश हुए, पर उसके तुरंत बाद ही पवनजय को युद्ध के लिए निकलना पड़ा। कुछ दिनों के बाद रानी अंजना माँ बनने वाली थी। यह बात उन्होंने अपनी सास को, मदर इन लॉ को भी बताई। उन्हें लगा कि जरूर अंजना का किसी से गलत रिलेशन है और अंजना ने कुछ गलत काम किया है, और उन्होंने गुस्से में आकर अंजना को महल से निकाल दिया। इस कारण से अंजना को अपने पिता के पास जाना पड़ा। अंजना की दासी वसंतमाला, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी उनके साथ गई। वहां पर उनके पिताजी ने अंजना की पूरी बात जाने बिना ही उन्हें अपने महल में अंदर आने से रोक दिया, और यहाँ तक उन्होंने अंजना को नगर से भी बाहर निकाल दिया। अब अंजना के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए दुखी मन से अंजना और वसंतमाला को पास के ही एक जंगल में जाना पड़ा। दुखी अंजना चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी कि ऐसे कौन से बुरे कर्मों की वजह से मुझे इस भयानक वन में रहना पड़ रहा है। पिताजी, माँ, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा और मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दिया। वो दोनों सहेलियां जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद मन को शांत करते हुए वसंतमाला ने कहा, हे सखी, शांत हो जाओ, अब ये रोना छोड़ दो। हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमें ये सब दुख सहने पड़ रहे हैं, इसलिए तुम अब दुखों को भूलकर अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। यहाँ पर हमें शेर, सांप, भालू जैसे जंगली जानवरों का खतरा है, चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वहीं रहते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगी। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी, और जैसे ही वे गुफा के पास पहुंची तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने देखा कि उस गुफा के अंदर एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर दोनों की सब थकान और उदासी दूर हो गई। उन दोनों सखियों ने मुनिराज को श्रद्धा पूर्वक नमोस्तु किया। मुनिराज के दर्शन से उनका सारा भय दूर हो गया और उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा अंजना को बताया कि पूर्व भव में अंजना ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अपमान किया था, इसीलिए उसे इस भव में इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। मुनिराज ने आगे बताया कि अब जल्दी ही वो बहुत गुणवान,
वीर और पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र मोक्ष भी प्राप्त करेगा। मुनिराज ने अंजना से कहा, हे अंजना, तुम श्रद्धा पूर्वक जिनेंद्र भगवान और जैन धर्म की भक्ति करो, अपने मन से दुख को निकालकर उसे धर्म में लगाओ, धर्म से ही सबका कल्याण होता है। मुनिराज की बात सुनकर अंजना का मन खुशियों से झूम उठा, उसकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे और उसने मुनिराज को बारंबार नमोस्तु किया। उसके बाद मुनिराज आकाश मार्ग से विहार करके वहां से निकल गए। अब अंजना और वसंतमाला उसी गुफा में रहने लगी और मुनिराज ने जैसे बताया वैसे ही अपना पूरा समय जिनेंद्र भगवान की भक्ति और उनकी धर्म साधना में लगाने लगी। जंगल में गुफा में रहते हुए उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। एक दिन उनकी गुफा के बाहर एक भयंकर शेर के दहाड़ने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर दोनों तो बहुत डर गईं और नमोकार मंत्र का पाठ करने लगी। इतना सुंदर पाठ और सिंह की गर्जना सुनकर उसी गुफा में रहने वाले एक गंधर्व देव ने अष्टापद बनके उस लायन को वहां से भगा दिया। कुछ दिनों बाद अंजना ने हनुमान को जन्म दिया और पता है हनुमान उसी भव से मोक्ष भी गए। देखा बच्चों, रानी अंजना ने कितने दुख और कष्टों को सहन किया, कितनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आने पर भी सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही शरण ली और पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति की। तो बच्चों, आज से हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम भी सच्चे वीतरागी भगवान और गुरु की भक्ति करेंगे और कभी भी जिनेंद्र प्रतिमा का अपमान नहीं करेंगे। जय जिनेंद्र।